दोस्तों से वीडियो में सीखेंगे कि आपका मोबाइल का स्क्रीन ब्राइटनेस जल्दी बंद हो जाता है, तो आप उससे परेशान हैं, तो उसका आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं, फिर कैसे बढ़ाएंगे इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना देरी के रिक्वेस्ट में आपका स्वागत है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ आप। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट जल्दी ऑफ हो गई थी, तो इसको मैं ऑन कर दिया, इसको टाइम बढ़ा ले रहा हूँ। तो जो स्क्रीन का जो लाइट ऑफ हो जा रहा है, इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद से यहाँ से आप देख सकते हैं असाइंड पे देखने को आपको मिल जाएगा। बस यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले वाले में हम चले जाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे, फिर असाइंड पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद से थोड़ा हम नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं एडवांस लिखा है, तो फिर एडवांस वाले पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे असाइंड पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा हम नीचे आएंगे, आने के बाद से यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 सेकंड पे लगा है। इसको आप जितना पे लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, आप जितना आप पे सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे 30 सेकंड पर सेट करना है तो 30 सेकंड वाले क्लिक कर देंगे, 30 सेकंड बाद ही ये ऑफ़ होगा। तो इस तरह से आप सेट करना चाहते हैं नोकिया के मोबाइल में, तो बड़ी आसानी से आप सेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।